हेलो गाइस, मैं अनुराग झा नॉलेज प्रोवाइडर चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो हम लोग 12th के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि समय कम है और ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव भी लाने हैं। तो अभी पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर है, एक दल का प्रभुत्व का दौर। तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। देखिए, अब यहाँ पे पहला जो है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार के का समाजवाद अपनाया। तो यहाँ पे जो है गांधी के सर्वोदय के कारण जो है समाजवाद को अपनाया था। निम्नलिखित में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे नीतीश कुमार जो है सुमेलित नहीं है क्योंकि ये जदयू से हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा से हैं। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो आपको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था। तो भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ। ठीक है, तो प्रथम आम चुनाव जो है 1952 ईस्वी में हुआ था। इस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था जो मौजूद है, यानी कि बहुदलीय कहने का मतलब दो से अधिक यानी कि कितना भी पार्टी सिस्टम बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया जाता है। तो चुनाव आयोग जो है ये जो है अपना चुनाव चिन्ह प्रदान करता है पार्टियों को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर ग हो जाएगा फिर से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने दो बार अपनी पार्टी तोड़ी और उसका पुनर्निर्माण किया। तो इंदिरा गांधी, ठीक है, इनको तानाशाह प्रधानमंत्री भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का प्रथम अवसर कब मिला। तो सत्ता में आने का प्रथम अवसर 1957 में मिला था। ठीक है, 52 में पहला आम चुनाव और 57 में दूसरा आम चुनाव हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो है कम्युनिस्ट पार्टी को जो है सत्ता में आने का अवसर मिला। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करो, ठीक है। और जिस भी क्वेश्चन को मैं इम्पोर्टेंट बोलूँ उसको निश्चित तौर पे आप लोग लिख लीजिए और याद करिए, ठीक है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठे हुए तो कम से कम उतनी चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस का आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राजनीतिक दल बदल जो है प्रबल भूमिका जो है इसमें निभाई थी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी प्रतिमान के बारे में क्या संकल्प लिया। ठीक है, तो 1955 में आवारी अधिवेशन में संकल्प लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, ए ओ ह्यूम थे, इनको हार्वर्ट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1885 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका, भारत में राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से कौन सा स्थान था। ठीक है, तो क्रम के हिसाब से इनका जो है 13वां राष्ट्रपति थे और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। नेक्स्ट देखिए, प्रथम पांच सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किनके द्वारा किया गया। तो पांच सूत्री के कार्यक्रम का जो शुरुआत है वो पंडित नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार राज्य राज्य यहाँ तक कि देश की जैसी हो गई है। तो ये जो है आपका स्टेनले किसनेक ने कहा था। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको लगे कि यहाँ पे कुछ मिस कर रहा हूँ या कहीं फास्ट जा रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे प्लीज वीडियो रोक दीजिए और फिर कुछ देर बाद उसको फिर से शुरू कीजिए। नेक्स्ट देखिए, 1967 में, ताकि आपको जो है चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, तो 1967 में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की गई थी। तो 1967 में जो है एकल आधिपत्यशाली व्यवस्था जो है लागू की गई थी। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुई। नेक्स्ट देखिए, भारत में हुए 1977 के आम चुनावों में राजनीतिक दल को बहुमत मिला था। तो राजनीतिक दल को जो है भारतीय जनता को जो है पार्टी को जो है राजनीतिक दल में बहुमत मिला था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो
26 जनवरी को हम मनाते हैं, तो 26 जनवरी को आप लोगों को पता होगा गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो 1952 से 67 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था? तो 52 से 67 तक जो है कांग्रेस का ही जो शासन रहा था, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।